सो गाइस आप लोग आज मुझे इस वन ब्लॉक के वर्ल्ड में देखकर चौंके होंगे, क्योंकि हम इस वर्ल्ड को 3 महीने बाद खेल रहे हैं। कुछ को तो लग रहा होगा कि मैंने इस वर्ल्ड को लीव कर दिया है, बट नहीं गाइस, आज हम इस वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे और मैं इस वीडियो को दोबारा एडिट कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले डिलीट हो गया था। कभी कभी तो बोलने का मन करता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट आज हम इस वाले वीडियो में बनाएंगे चेरी ब्लॉसम वाला हाउस और गाइस उसके साइड में एक फॉरेस्ट भी बनाएंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है पूरे 3 महीने बाद खेलकर। सो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस इस वाले चैनल का दर्शन पूरी जिंदगी में पहली बार कर रहे हो तो गाइस वो नीचे लाल लाल मिर्ची जैसा बटन को दबा देना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। और गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब करते हैं नोज भाई साहब का नाम लेकर वीडियो को शुरू, सो लेट्स बिगिन। तो गाइस दुनिया के अंदर घुसते हम चले जाते अपने पुराने वाले झोपड़ी की तरफ, और गाइस वहाँ के संदूक से निकालते चेरी वाला सैपलिंग जो कि हमने बहुत पहले एक बंजारे से खरीदा था। और गाइस सरफेस को बिल्ड करने के लिए हमें थोड़े बहुत डर्ट भी चाहिए होंगे, तो गाइस इधर से निकाल लेते हैं। बट हमें डर्ट की कमी पड़ जाती है, बट गाइस हमें इधर से बहुत सारे डर्ट्स मिल जाते हैं। जिंदगी में पहली बार इतने सारे डर्ट्स देखकर मैं खुश हो रहा हूँ। सो गाइस बहुत सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कासल के साइड में हमारा नया सरफेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर इस रूस के बहुत सारे स्लैब बना लेते हैं, और गाइस हमारे नया एरिया में जाने के लिए हमें रास्ता बनाना होगा। तो सबसे पहले ये 5 फेंसेस को हम तोड़ लेते हैं। सो गाइस इधर से स्लैब्स लगाते लगाते हम इधर एक रास्ता बनाएंगे। सो गाइस हमारा छोटा सा रास्ता बनाने के बाद इसके अंदर हम बहुत सारे गंदगी को भर देंगे, मतलब अपना डर्ट। तो गाइस काम करते करते हम बहुत ही थक चुके थे, और गाइस हमारा सूरज भी ढलने वाला था। तो गाइस हम अपना डिनर करते हैं, और गाइस कुछ हरकतें करने के बाद सो जाते हैं। सो गाइस पूरी रात घोड़े बेचकर सोने के बाद हम इधर उठ जाते हैं, और गाइस उठने के बाद हम इधर अपने रेक्टेंगल शेप का एक सरफेस बनाने लगते हैं जिसके अंदर हमारा घर बनने वाला है। और गाइस जितना बड़ा ये हमारा सरफेस बना है देख के तो नहीं लगता कि इतना डर से काम चलने वाला है, साला भूखड़ है। अपने सारे डर्ट्स को लगाने के बाद अपने सारे डर्ट्स को लगाने के बाद हमारे डर्ट्स का नंबर हमारे बैंक बैलेंस जैसा हो चुका था, मतलब पूरा अंडा। गाइस इसी उम्मीद में कि हम इधर बहुत सारे डर्ट्स मिल जाए हम इधर ढूंढने लगते हैं, बट गाइस हमें डर्ट्स की जगह ठेंगा मिलता है। बट गाइस बाहर वाले संदूक में हमें एक हीरा मिल जाता है जिसको जेब में भरने के बाद हम जल्दी जल्दी चले जाते हैं अपने झोपड़ी के अंदर, और गाइस वहाँ जाकर हम एक शवल बना लेते हैं। और गाइस इस वाले शवल को लेने के बाद हम इधर जल्दी जल्दी मजदूरी करने लगते है कि हमें बहुत सारे डर्ट मिल जाए। खेती थी मैंने तो मैंने डायमंड के लिए भी नहीं किया। सो गाइस हम इधर सोकर उठे ही थे तो एक पिलेजर हमारे ऊपर हमला कर देता है, इसको मार देते, बट गाइस इसका सरदार हमें दिखाई नहीं पड़ता, शायद मुझे देखकर डर गया होगा। और गाइस हमारे नया एरिया में हमें एक सुतली बॉम्ब मिलता है जो कि गाइस फट जाता है, और गाइस हमारा स्लैब भी तोड़ देता है, तो इसको गाइस हम रिपेयर कर देते हैं। सो अब इसकी मरम्मत करने के बाद हम जल्दी जल्दी मजदूरी कर इन सारे जगह को भर लेते हैं। देखो 3 महीने बाद भी मजदूरी किया जा रहा है। पूरे एरिया को डर्ट से ढकने के बाद सो गाइस हमने फाइनली चारों तरफ डर्ट लगा दिया है। तो गाइस उतना होने के बाद हम सारे लास्ट को उठाने लगते हैं जो कि गाइस हमने मारा था। सो गाइस यहाँ पर चेरी सैपलिंग को लगाने के बाद हम इधर हड्डी के थोड़े चूड़े बना लेते हैं, और गाइस इसको लगाने के बाद ये बड़ा हो जाता है, तो गाइस अभी इनको काट लेते हैं। सो गाइस इस वाले के तो हमने काट लिया था, तो गाइस अब इससे जो भी सैपलिंग मिलेंगे हम इसे फिर से रिप्लांट करना होगा। तो गाइस सारे कूड़े को इधर फेंक कर लाइटर से इसको जला देते हैं। सो गाइस कुछ ही देर बाद हमें इधर एक बच्चा मिल जाता है जिसको हम उठा लेते हैं। सो गाइस इसको उठाने के बाद इससे कुछ ही दूर हम इसको प्लांट कर देते हैं, और फिर से बच्चे ढूंढने लगते हैं इधर। सो गाइस हम यहाँ आकर संदूक से चार चार इधर हड्डियों को निकाल लेते हैं। सो गाइस इतना हमारे लिए इनफ नहीं था, तो इधर अंदर जाकर हम बहुत सारे हड्डियों को निकाल लेते हैं, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे हड्डी हो जाते हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि गाइस डर्ट में मजदूरी करने के बाद हमें क्या क्या मिला है, पूरा खजाना मिल गया। और गाइस इधर एक बंजारा मिल जाता है जो गाइस कुड़ाई बेच रहा था, आज इसको छोड़ देते हैं। सो गाइस फिर से हमारे नए वाले एरिया में आकर सारे प्लांट्स को हम इधर ग्रो कर लेते हैं, जिसको हम फिर से बाद में काट कर सैपलिंग्स कलेक्ट करने वाले थे, और उसके बाद इधर एक बड़ा सा जंगल खड़ा कर देंगे हम। पूरे जंगल को बनाने के बाद तो गाइस फाइनली हमारे इधर चेरी ब्लॉसम वाला सस्ता बायोम बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस उसके बाद हम इधर संदूक से निकालते कुछ ग्रास के ब्लॉक्स, जिससे गाइस हमारा हरा भरा हो जाएगा। तो गाइस एक नहीं हम दो दो निकालेंगे। तो गाइस इसको निकालने के बाद हम दौड़ते दौड़ते अपने बायोम की तरफ जाते, बट गाइस वहाँ तो एक हरा सा सुतली बॉम्ब था, तो इसको मारते मारते ये फट जाता है, और गाइस हमारा इधर नुकसान हो जाता है। तो गाइस इधर ग्रास ब्लॉक लगाने के बाद इस वाले एरिया की हम मरम्मत कर लेते हैं। तो गाइस इसका मरम्मत होने के बाद ये फालतू के दोनों ब्लॉक्स को हम इधर से उठा लेते हैं, और गाइस हमारा इधर पेड़ का भी मरम्मत
मत हो चुका है। सो गाइस उतना एक बार इधर एक ग्रास ब्लॉक लगा लेते जिसका जनसंख्या बढ़ जाएगा बाद में। सो गाइस जब तक ये उग रहा है तब तक हम इधर लकड़ियों को काट कर बेच देते हैं, मेरा मतलब घर बनाने के लिए लकड़ियां कलेक्ट करते हैं। सो गाइस लकड़ी को काटते काटते यहाँ पर बहुत सारे घोड़े का एंट्री हो जाती है। सो गाइस अब हमें इन लोगों को भी पालना है तो सबसे पहले इन लोगों को इधर टेम कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि इसके नखरे तो लड़कियों से भी ज्यादा है। सो गाइस हमें ये एक बार नहीं दो दो बार नखरे दिखाते हैं, बट गाइस मेरे आगे कोई टिक सकता है क्या? तो फाइनली ये भी टेम हो जाता है। गाइस फैमिली पैक मिल रहा है तो एक ही क्यों ले सारे को टेम कर लेते हैं। सो गाइस मैंने सारे घोड़े को टेम कर लिया है तो अब ये सारे घोड़े मेरे हैं। तो गाइस उसके बाद हम चले जाते हैं अपने एक्सी फार्म में और गाइस वहाँ पर थोड़े मारपीट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर कीड़े मकोड़ों ने बहुत सारे कूड़े मचा रखे थे तो इन सारों को हम जला देते हैं और गाइस हमारा लाइटर भी टूट जाता है। तो यहाँ पर सस्ते पीटर पावर भाई सबको टपकाने के बाद हम इधर चले जाते हैं अपने पुरानी झोपड़ी की तरफ और गाइस वहाँ से संदूक से हम बहुत सारे बर्ड्स के लॉक्स को निकाल लेते हैं और ज्यादा कुछ नहीं हम इधर जंगल के लॉक्स को भी निकाल लेते हैं, बाद में काम आएंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी हम इधर जाकर सो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी और गाइस सुबह सुबह एक जला हुआ बच्चा मुझे भी जला हुआ पकौड़ा बना देता है। तो गाइस इसको जल्दी जल्दी हम मार देते हैं और हमारे नए जंगल में इसका पूरा फैमिली बसा हुआ है। सो गाइस हमारी सेफ्टी के लिए इधर हम बहुत सारे फेंसेस बना लेते हैं बर्ड्स के और इन सभी को पेलना चालू कर देते हैं। सबसे पहले अब्दुल की बारी है। सो गाइस लास्ट वाला ज़ॉम्बी बहुत जल रहा था और ये अपने आप मर जाता है। तो गाइस उसके बाद हम इधर फेंस को डालना चालू कर देते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से लगाना पड़ेगा, आधा घंटा इसमें ही चला जाएगा। सो गाइस बाद में हम अपना दिमाग चला लेते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। तो गाइस इधर हम वाटर बकेट को इधर निकाल लेते हैं जिसके बाद इधर ऊपर चढ़ने के बाद इसको लगाते हैं और गाइस इधर गलती से लग गए इसको तोड़ लेते हैं। तो गाइस इधर क्रॉस करते करते हम इधर लगाएंगे तो ये अपने आप लग जाएगा। सो गाइस फाइनली हमने चारों तरफ इधर रक्षा कवच बनाकर रेडी कर दिया है। तो गाइस इस जंगल के बीच में हमें अपना घर बनाना था तो उसके लिए हम जल्दी जल्दी इधर शॉवल से एक मार्क बनाने लगते हैं जो कि हमारे घर का शेप है। तो अब जल्दी से बनाते हैं इसको और गाइस इधर हमारा छोटू सा घर का इधर आउटलाइन तो बन के रेडी हो चुका था, बट गाइस बीच में जो हमारे पेड़ आ रहे थे इसको हम कट डाउन कर लेते हैं। और गाइस हम इधर सोच रहे थे कि हमारा घर रेक्टेंगल शेप का नहीं होने वाला है तो सबसे पहले इस आउटलाइन को आधा कट कर लेते हैं और गाइस इधर से हम एल शेप बनाएंगे जिससे हमारा घर और भी मस्त लगने वाला है। सो गाइस उतावन एक बार ये बचा हुआ हिस्सा को हम कट कर लेते हैं और गाइस इसके बदले नए डर्ट लगा लेते हैं। सो गाइस उतावन एक बार हम इधर जहाँ पर भी कॉर्नर है उसमें इधर जेडी के लॉक्स लगा लेते हैं जो कि हमारे पिलर्स होने वाले हैं। छोटा सा बनाएंगे, मस्त बनाएंगे। तो गाइस सभी तरफ हमने इधर पिलर तो बनाकर रेडी कर दिए। तो गाइस अब हम इनको छील देते हैं पूरे संतरी की तरह और गाइस ये तो बहुत स्मूथ लग रहा है। सो गाइस उसके बाद हमारे पास जो भी जंगल के लॉक थे उसके हम प्लैंक्स बना लेते हैं और गाइस अब हमारा घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस हमारा इधर घर का बेस बंद कर तो रेडी हो चुका है तो मैं मिलता आप लोगों को घर का छत बनाने के बाद घर को प्यारा सा टोपा पहनाने के बाद। तो गाइस हमने फाइनली अपने घर के छत को बनाकर रेडी कर दिया है। जो अगर आप लोग इधर से अंदर जाओगे तो आप लोगों को इधर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इधर अपना एक बेड है और गाइस इधर हमारा संदूक भी पड़ा हुआ है और गाइस हमारा छत कुछ ऐसा बना है और गाइस साइड में हमने कुछ ऐसा बनाया है डिटेलिंग जो कि कूल दिख रहा है, बट सबसे पहले हम इधर सो जाते हैं। सो गाइस सुबह सुबह उठने के बाद हम चले जाते हैं घर के बाहर की तरफ और गाइस इधर हम लगाते हैं चार दो फेंस जो कि हम इधर लैंटर्न लगाने वाले थे और गाइस डिटेलिंग को अच्छा बनाने के लिए हम इधर पाथवे भी बनाते हैं। सो गाइस अभी तो हमारा घर को जैसा दिख रहा है तो मैं मिलता आप लोग इस वाले घर को डेकोरेट करने के बाद पूरे घर को डेकोरेट करने के बाद। सो गाइस फाइनली हमने अपने घर को डेकोरेट कर दिया है। गाइस इधर बाहर रोशनी के लिए हमने इधर लालटेन लगा लिया है और गाइस ऊपर घर के ऊपर हमने एक चिमनी बनाया और गाइस साइड में शॉवल से कुछ लाइन बना दिया है जो कि घर को अच्छा दिखाता है और गाइस घर के अंदर हमने बहुत अच्छे से लाइटनिंग कर रखा है और गाइस इधर बहुत सारे फर्नीचर्स है और गाइस इधर बेड और थोड़े से संदूक है जो गाइस रहने के लिए काफी है और गाइस इधर से बाहर सीन देखेंगे हम। सो गाइस यहाँ से बाहर जाओगे तो आप लोगों को मेरे घोड़े देखने को मिलेंगे और गाइस हमने इधर पाथवे बनाना भूल दिया था तो इधर जल्दी बना लेते हैं। तो गाइस उतावन एक बात हमारा ये जगह बढ़िया दिख रहा था तो ये था हमारा घर का आखिरी लुक मतलब फाइनल लुक। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस हमेशा की तरह हमारा घर कैसा लगा कमेंट के अंदर बता देना और गाइस मैं सोच रहा था कि इसका ब्लॉग का सीरीज भी लाया जाए तो आप लोगों को उसमें क्या कहना है कमेंट में बता देना और गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है इंस्टाग्राम में भी जाकर फॉलो कर लेना मत भूलना, जाकर जल्दी कर लो। सो अब मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।